छोड़ी गाड़ी क्या करो बस सीधा ही रहो अब अपनी लेन में थे हमारे अपनी लेन में था आप लोग देख रहे थे मेरा क्या हाल है पीछे हमारी गाड़ी थी हम देख रहे हैं पिछली बार ने ऐसे किया पीछे से एग्जैक्टली मैं बोल अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, इससे मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक खुशखबरी है मेरे पास कि मैंने गाड़ी का डिसीजन ले लिया है कि मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है और मैंने गाड़ी पसंद कर ली है। ये जुमला बोलने के लिए मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि ये जुमले से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा वो मैं आपको बाद बताऊँगा, एक ज़रूरी कॉल करनी है वो कर लें पहले, क्योंकि ये सुबह से यही चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। बस थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी गाड़ी के रिलेटेड ना। जी। मैं अल्लाह चौक के करीब हूँ, तो कहाँ पे आना एग्जैक्टली? चलें ठीक है, ओके ओके सर, मैं आ रहा हूँ विद इन 5 मिनट्स। सुबह से यही हो रहा है बस। शोरूम से होना है हमने लेफ्ट। ओके बॉयज, इन दोनों में से गेस करें आप कौन सी गाड़ी है। मैं आपको ना गाड़ी देख के फिर बताता हूँ कौन सी गाड़ी है। अपडेट ये है कि एक सिविक जो अभी आपने देखी होगी, ये सिविक मैंने चेक किया, गाड़ी अच्छी थी, नो डाउट गाड़ी अच्छी थी, लेकिन एक दो पीस शावट थे, मतलब लेफ्ट साइड से फेंडर और दरवाज़ा भी, और मुझे डाउट पड़ा था कि मतलब साइड ही है पूरी यार, जब वो इतने पीस आए थे तो पूरी साइड ही कंसिडर की जाती है। फेंडर भी टच था, ड्राइड एंड निकला हुआ था, लेकिन वो पूरी साइड ही होगी, लेफ्ट साइड शावट। गाड़ी अच्छी, मतलब साफ़ सुथरी, यस गाड़ी, और लेने वाली थी, मतलब छोड़ने वाली गाड़ी नहीं है, लेकिन पैसे ज़्यादा हैं। और यकीन माने यार बॉयज़, सुबह से मैं यही चीज़ फेस कर रहा हूँ, गाड़ी पहले तो मिलती नहीं है, गाड़ी अगर मिल जाए तो पैसे ज़्यादा हैं। और यार मुझे तो ये नहीं समझ आती, आई एम वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड कि इस कदर हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने, मुझे समझ नहीं आती क्यों शावर करवाई हैं गाड़ियाँ। क्या हाल है, कैसे आप? ठीक है, कैसे? जी सलाम, ठीक ठाक। लग हाँ जी, ब्लॉग ना, चल थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा बात क्या हो रही थी, बात ये हो रही थी कि यार मेरी समझ में ही नहीं आती कि लोगों ने अपनी गाड़ियाँ शावर करवाई हुई हैं यार, 5-5, 6-6 साल पुरानी गाड़ियाँ शावर्ड। यकीन मानो मैं सुबह से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखें, एक दो तीसरा, इधर आके मेरी बस हो गई थी, इधर आके लिटरली मेरी बस हो गई थी, और मैं सुबह से आवाज़ार हो गया हूँ गाड़ियाँ देख के। बॉयज बिलीव मी, 2 से 3 दिन मैं गाड़ियाँ ढूँढ ढूँढ के ना डिप्रेशन में जाने वाला हो गया हूँ, जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं। खैर अब तो ये सफ़र लंबा ही चलेगा, और मुझे पता है कि अब आराम से गाड़ी नहीं मिलेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और महंगाई तो हो गई है सबको पता है। और इवन यार बड़ी गपशप लगी है जिनकी ये गाड़ी थी रीबर्थ वाले, 15-20 मिनट गपशप की है, और उन्होंने नई कोई गाड़ी बुक करवाई हुई है। मैंने उनको यही कहा है कि अगर आप यूज गाड़ी की तरफ जाते तो आप भी मेरी तरह डिप्रेशन में चले जाते। मैंने कहा आपने अच्छा किया, नई गाड़ी बुक करवा ली है, अब आपने नई गाड़ी बुक करवाई है, आप उसको 4-5 महीने चला के भी सेल करेंगे तो आपकी गाड़ी महंगी बिकेगी, और ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान, मैं समझता हूँ वाहिद मुल्क है जहाँ पे आप गाड़ी 0 मीटर बुक करवा के उसको 4-6 महीने चला के तो आप उसको महंगा बेचते हैं। भाई बिजनेस यार, बिजनेस, दिस इज बिजनेस। अच्छा यार महंगाई तो खत्म होनी नहीं है, ठीक है, अब ये बात अगर मैं सोचने पे आऊँ कि गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगी कि गाड़ियाँ बिल्कुल सस्ती नहीं हो सकती, ये चांस ही नहीं है कि भाई गाड़ियाँ कभी भी सस्ती हो इस मुल्क में जहाँ पे इस तरह के हालात हैं। बड़ी फनी सिचुएशन है यार कि खैर स्पीचलेस हूँ मैं, सुबह से टेंशन में था, काफी टेंशन में था, और इवन अभी भी टेंशन है, लेकिन अब मैं टेंशन को ना एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अब चल सो चल सिस्टम है, अब ये काम, अब ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और मैं सुबह से अगर व्लॉग बना रहा होता ना यार, पहले मैंने कोशिश की कि यार आज मुझे गाड़ी मिल जाए, और गाड़ी मिल के मैं आपको टोकन शोकन करके फिर मैं गाड़ी दिखाऊँ, ऐसे नहीं यार, अब मैं जलील भी हो रहा हूँ, और जलालत के साथ साथ ना व्लॉग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हालांकि जलालत का दूसरा नाम व्लॉग है, लेकिन थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है कि गाड़ियाँ भी देख रहे हो आप और निगोशिएट वगैरह ये वो साथ लॉक करना थोड़ा सा मुश्किल है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको इस एक्सपीरियंस से गुजार पाऊँ, और आई होप आप लोग
सही फील कर पा रहे होगे भाई की सिचुएशन जो मसले में पड़ा हूँ मैं। 0 मीटर गाड़ी बुक करवाओ भाई, सुकून से चिल करके चलाओ, यूज गाड़ियों के चक्कर में ना पड़ना, बिल्कुल समझ से बाहर हालात। अच्छा यार एक और बहुत बड़ा मसला है, अब मेरे पास ये वाली गाड़ी है ना, इस गाड़ी पे गाड़ी ढूंढना एक मिशन है। मैं तो सोच रहा हूँ पहले कोई छोटी गाड़ी ले लेता हूँ गाड़ी ढूंढने के लिए, क्योंकि इस पे निकलना तो भाई मतलब अब कहीं जाना है मुझे सोचना पड़ता है यार, स्पीड ब्रेकर ना हो, सड़क कच्ची ना हो, कोई मसला ना हो, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं इस तरह की आ जाती है। और स्पीड ब्रेकर अक्सर कोई अगर कोई खरदमाग हो तो वो ऐसा स्पीड ब्रेकर बनाता है कि अगले बंदे की गाड़ी तबाह हो जाती है, कोई स्टॉक गाड़ी तबाह हो जाए तो मेरी तो फिर ड्रॉप डेड गाड़ी। बस यही सीन है यार कि अभी समझ से बाहर है और हम इंजॉयज हो रहे हैं, फुल इंजॉयज हो रहे हैं। अगर कोई मेरे साथ सुबह सुबह कोई दूसरा बंदा होता ना तो मैं सुबह व्लॉग बनाता, आपको फुल इंजॉय करवाता, जिस टेंशन से मैं गुजरा हूँ ना उस टेंशन से आपको भी। लेकिन यार चलो कोई नहीं, खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इस चीज पे अपना बिलीफ स्ट्रांग रखना चाहिए। ये रही अपनी लालो और ये रही अगला शिकार हमारा। ओके बॉयज, हमने देख ली है ये गाड़ी, लेकिन मैं अगर अपनी चॉइस की बात करूं तो मुझे सिल्वर वाली ज़्यादा पर्सनली पसंद आई है। आपको मज़े की बात बताऊं, ये भी तेरा है, वो भी तेरा मॉडल, दोनों सेम मॉडल थे और कलर का फ़र्क है और मैं कहूंगा कि बॉडी कंडीशन का फ़र्क है। लेकिन मुझे बॉडी कंडीशन उस गाड़ी की पसंद आई थी और इंटीरियर इस गाड़ी का पसंद आया मुझे, और मैं समझता हूँ कि वो जो मैं अभी देख कर आ रहा हूँ ना गाड़ी, इससे पहले वाली वो गाड़ी काफी बेहतर थी। अब करते हैं यार कोई डिसीजन, सोचता हूँ मैं क्या करना है क्या नहीं करना, मुश्किल डिसीजन है और ये स्पीड ब्रेकर भी बहुत मुश्किल है। चलो जी, लास्ट टाइम ना मैंने, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद के ऑटो शो पे इतनी गाड़ी चलाई थी जितनी मैं आज चला चुका हूँ। आदत नहीं है इसको इतना चलाने की, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है और थकावट भी फील हो रही है, क्योंकि लाहौर में ना मैनुअल गाड़ी अब चलाना बहुत ज्यादा अजाब वाला काम हो गया है, और मैं लाहौर आता तो मेरा ख्याल है घूम चुका हूँ आज ही। तो बस अब चलते हैं यार, एक लास्ट गाड़ी देख लें बस, इसके बाद मेरी बस है, एक स्विफ्ट देखनी है। मेरा अपना जाती तौर पे दिल जो है ना वो सिल्वर रीबर्थ पे आ रहा है। अभी ये स्विफ्ट देख लें, फिर मैं आपको डिटेल में दोनों बातें बताता हूँ। इसी के साथ साथ हम स्टांस कार किलर सोसाइटी में आ गए हैं। ये आपको नहीं पता सोसाइटी का, वापटा टाउन यार। ये देखो जरा स्पीड ब्रेकर का साइज चेक करो, इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर बनाने का क्या तुक बनता है। यही मैंने आधी जिंदगी यही करते रहना मुझे लगता है। देखो इधर ना स्पीड ब्रेकर नहीं खत्म होंगे, हिसाब लगाओ। ये देखो अभी मैं एंटर हुआ ही हूँ और ये मेरा दूसरा स्पीड ब्रेकर भी आ गया। इस सोसाइटी में इतने स्पीड ब्रेकर्स हैं यार, इतने स्पीड ब्रेकर्स हैं, मेरा ख्याल है पूरे लाहौर में इतने स्पीड ब्रेकर्स नहीं होंगे जितने इस सोसाइटी, सिर्फ एक अकलौती सोसाइटी में। ये ड्राइविंग टेस्ट होता है यहाँ पे, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है, ये इस तरह इन्होंने क्यों बनाया हुआ है यार, ये क्या चक्कर है भाई, ये कौन सी सोसाइटी में आ गया हूँ मैं। देखो कुकड़, ओ यार ज्यादा कुकड़ यार, नाइस कुकड़, वेरी नाइस कुकड़, गुड कुकड़। ओ स्पीड ब्रेकर बहुत टाइम जाया होता है कसम से, मेरा ख्याल है मुझे भी कोई स्टॉक गाड़ी ले लेनी चाहिए। अब लो जनाब वो रही ये ग्रे वाली स्विफ्ट, क्रोला नहीं, वैसे ये भी मिल जाती अच्छा होता, ये देख के मैं आपको बताता हूँ। यार ये क्या वैसे मजाक है, मैं फिर यहाँ पे आ गया हूँ, ये क्या मजाक है यार, ये कौन सा मजाक हो रहा है, ये देखो जरा। मेरा ख्याल है कोई नई गाड़ी शायद गुजरे भी ना इधर से, कोई मतलब सिविक वगैरह ना वो थोड़ी सी आगे से वाइड होती हैं तो वो तो गुजरेगी भी नहीं, मतलब ये तो गुजर जाएगी लेकिन दूसरी नहीं गुजरेंगी। लेकिन ये मजाक क्या है भाई, बड़ी फनी सोसाइटी है यार बापरा टाउन में। टू क्लोज नॉट अ प्रॉब्लम। Thank you.
कितनी इसको नजर लगती है यार, कितनी नजर लगती है। मैं खुदा की कसम मैं अब आ गया हूँ, यकीन करें गलती उन्हीं की है, आप अपने लेन में थे, हमारे अपने लेन में था, आप लोग देख रहे थे मेरा ख्याल है, पीछे हमारी गाड़ी थी, हम देख रहे हैं सिटी वाले ने ऐसे किया और पीछे से गाड़ी। एग्जैक्टली माय पॉइंट, अब उनसे लड़ने का क्या फायदा, फैमिली के साथ है, इसको मैं बेच ही दूं भाई, अब कसम से मेरी तो बस हो गई है ये यार, क्या यार। अच्छा यार, मुझे कोई तकरीबन एक घंटा हो गया है, मैं गाड़ी साइड पर लगा के सर्विस लेन में खड़ा हुआ हूँ, और अभी समझ नहीं आ रही यार, वक्त के साथ जज्बात सारा कुछ बदल गया, गाड़ी पे बहुत बुरा टाइम जा रहा है, और इवन के मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ कि कुछ सदका सुदका कोई इस तरह की चीज़ निकाल दिया करूँ कि इस तरह का सीन ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये सारे सीन्स चल रहे हैं मेरे साथ, तब मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मुझे उदासी भी हो रही है, और मुझे शौक भी लगा है कि ये हुआ क्या मेरे साथ। कोई नहीं, अल्लाह ताला ने बड़े नुकसान से बचा ली है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये वो चंद बातें हैं जो मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को अपने सर पे सवार ना करूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सर पे मेरे सवार हो जाएगी, जब ये ब्लॉग ख़त्म होगा तब जाके मुझे रियलाइज़ होगा कि मेरे साथ हुआ गया है। मैं अपनी शक्ल इसलिए नहीं दिखा रहा यार, हिम्मत मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, लिटरली बहुत मैं अभी डाउन हुआ पड़ा हूँ, पता नहीं क्या वजह यार, ये गाड़ी बेचारी बड़े बुरे दिनों से गुजर रही है, समझ से बाहर है कि क्या नज़र वाला सीन है, नज़र अब इतनी भी नज़र नहीं लगती कि मैं हर बात ये नज़र पे लगा लूँ, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। उधर बॉयज़ थे यार, उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी गाड़ी निकलवाने में, और अंकल से मैं क्या लड़ता यार, फैमिली उनके साथ थी, उनके साथ उनकी वाइफ थी, वो भी कह रही थी कि बेटा ध्यान से चलाया करो, मैंने कहा आंटी प्लीज़ चुप, मैंने इस तरह उनको कहा था, क्योंकि उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं बदतमीजी करना नहीं चाहता, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, अब आंटी का क्या दुख बनता था भाई बात करने का बीच में, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गर्म था, अभी अल्लाह माफ़ करे कोई मैं गलत मतलब क्या कहते हैं बदकलामी कर जाता मैं उधर, तो उधर मतलब गर्मा गर्मी हो सकती थी, तो मैंने कोशिश की कि मैं उसको फुल अवॉइड करूँ, मेरे से बड़े थे अंकल, और यकीन मानो मेरा मीटर शॉर्ट होने में कुछ ही सेकेंड बाकी थे, वो किसी तरह बॉयज़ ने आगे ना थोड़ा सा हैंडल कर लिया तो इजी हो गया, वरना मैं उधर कुछ मसला हो जाना था। तो खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला को जो मंजूर जो होना था हो गया, किस्मत में लिखे हो ना जब धक्के तो वो इंसान को खाने पड़ते हैं, तो हम तो खा रहे हैं, और मज़े की बात आप लोगों में से काफ़ी सारे भाई इस तरह के मजाक भी कर रहे थे कि यार दोबारा गाड़ी मार के तो शाही साहब के पास लेके जाएँ आप, लो आपका ख्वाब पूरा हो गया, गाड़ी अब दोबारा मार दी आपके भाई ने, और लेकिन इस दफ़ा मैकेनिकल भी इशू हो गया, तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम होगी, और देखो यार जो भी अपडेट आती है फिर मैं आपको बताता हूँ जैसे ही कुछ होता है, वरना यार मैं तो सोच रहा हूँ यहीं पे अल्लाह हाफिज़ कर लें, ख़त्म करो, सब्सक्राइब करना हुआ कर लेना, वीडियो को लाइक करना हुआ कर लेना। खैर यार ठीक है, आप लोग अपना इंजॉय करें, मैं अपना इंजॉय करता हूँ जलालत, गाड़ी तो मिली नहीं है, लेकिन इस गाड़ी के साथ मैंने जितनी ज़्यादती कर दी है ना, और मैं कहूँगा यार उसकी गलती भी नहीं थी, अंकल की गलती ही नहीं थी भाई, मेरी गलती थी, अपनी गलती सबसे पहले मानो, जब तक आप अपनी गलती नहीं ना मानते, आप मैं ओवरटेक कर रहा था, मैं ही गलत था, मैं फर्स्ट लेन से ओवरटेक कर रहा था, और ये मैं जितने भी मेरे बॉयज़ छोटे बॉयज़ देखते हैं ना, छोटे बॉयज़ मुझे बहुत देखते हैं यार, आप लोगों के लिए सेपरेट प्यार है मेरे दिल में, आप लोगों के लिए एक नसीहत है कि जब भी आपने गाड़ी चलाना सीखनी है, आपने एक बार जहन में रखनी है कि आपने अपने आप को खुद बचाना है, कोई किसी को नहीं बचाता, और एक फैक्ट अभी मैं आपको बताता हूँ, जितना मैं कहता हूँ कि रैश ड्राइविंग ना किया करें, उतना मेरे साथ बैड सीन चल रहा है, पता नहीं क्यों, ये बड़ा फनी सीन हो रहा है मेरे साथ लेकिन खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला को जो मंजूर यार, अल्लाह ताला ने किसी इससे भी बड़े हादसे से बचा लिया, और जो भी बातें इंसान अपने आप को दिलासा देने के लिए बोलता है, एक होप ही तो है जो एक मुसलमान को जिंदा रखती है और चलाए रखती है, तो खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे, और हो सकता है कि ये अल्लाह ताला मतलब आई एम स्पीचलेस यार, कुछ समझ नहीं आ रही क्या बात की जाए क्या ना की जाए, तो इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।